नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बीके में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पचौरी। मैं साक्षी राय। खबर फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। आरके इवेंट्स प्रेजेंट झांसी बिगेस्ट मॉडलिंग पेजेंट मिस्टर एंड मिस झांसी एंड किड्स फैशन शो 2020। ऑडिशन डेट 12 दिसंबर 2020। टाइमिंग 12 PM to 3 PM। वेन्यू होटल तुलसी चित्रा चौराहा झांसी। ऐसा स्वाद और कहाँ जनाब। अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहाँ कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, बहुरानीपुर। यार जो सफलता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो सफल, सुनसान खोल के सुना तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए। इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खबर फटाफट। खबर फटाफट शुरू करते हैं पहली खबर झांसी से। भगवान श्री राम राजा का विवाह पर जगमगाए श्री राजा राम की धर्मनगरी ओरछा। दुल्हन की तरह सजा नगर, विवाह पंचमी के दिन पहले निकली बारात, फिर राम जानकी मंदिर में हुआ विवाह, नगर वासियों में दिखा उत्साह, श्रद्धालुओं की भी उमड़ी भीड़। झांसी में शादी के दिन इंतजार करती रही दुल्हन, मगर नहीं आया दूल्हा। लड़की पक्ष से मांग रहा था 5 लाख रुपए का दहेज। खबर छपी तो दूल्हा निकला पहले से शादीशुदा, दूसरी पत्नी भी आ गई मैदान में, बोली कि मुझे भी दहेज के लिए छोड़ चुका है दहेज लोभी, अब पुलिस सिखाएगी सबक। तो वहीं दूसरी तरफ झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नया गांव में फायरिंग से फैली दहशत। पार्षद मिथुन यादव के पिता पर चली गोली, पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दी वारदात को अंजाम। और मऊरानीपुर में चोरों ने फिर बनाया भगवान के मंदिर को निशाना, उतार ले गए चोर 9 घंटे पुजारी के साथ, क्षेत्रवासियों में दिखा गुस्सा। पुलिस से शिकायत कर जल्द चोरों को पकड़ने की उठाई मांग। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घाट कोटरा का है मामला। वही मऊरानीपुर में तहसील के ग्राम रेवन स्थित श्री जागेश्वर धाम पर हुआ सर्व जातीय सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन। अहिंसा दल पार्टी के तत्वाधान में किया गया था कार्यक्रम। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। मऊरानीपुर में विवाह पंचमी के मौके पर निकाली गई भगवान श्री राम की भव्य बारात। बारात का जगह जगह हुआ द्वारचार, डीजे की धुन पर बारात में जमकर नाचे राम भक्त। चौमुखी माता मंदिर से बजरंग सेना के द्वारा निकाली गई थी भव्य बारात। तो वही मऊरानीपुर में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने आधा दर्जन गाँव के किए दौरे। ग्राम रोनी में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। झांसी के खैरा स्थित राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम विवाह महोत्सव हुआ आयोजित। निकाली गई भव्य राम बारात। यशपाल सिंह यादव के साथ छत्रपाल सिंह यादव व अरविंद यादव की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। भगवसागर में राम विवाह के अवसर पर पूरे ठाट के साथ सियाजू को बिहाने निकली राम बारात। दर्जनों जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ हुआ भव्य स्वागत। भगवसागर के रघुनाथ मंदिर में स्थापित राम जानकी की प्रतिमाएं ओरछा के बराबर होने की है मान्यता। जालौन कोतवाली में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयोजित हुआ योग शिविर। 3 दिन तक चलने वाले शिविर में पुलिस कर्मी सीख रहे हैं स्वस्थ रहने के गुर। योगाचार्य अरविंद कुशवाहा व विवेक सिंह सिखा रहे हैं योगा। वहीं ललितपुर में देखने को मिली भाईचारे की अनूठी मिसाल। नगर में निकाली राम बारात का मुस्लिम भाइयों ने किया जोरदार स्वागत। नरसिंह मंदिर और सावरकर चौक होते हुए घंटा घर पहुंची बारात। सिया राम विवाह में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ललितपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग केलगुआ बाईपास के पास शहजाद नदी के पुल की रेलिंग पर चढ़ी कार, बाल बाल बचे कार सवार। मंजर देखकर बोले प्रत्यक्षदर्शी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो वहीं ललितपुर के बिरधा में सड़कों पर करना पड़ता है राहगीरों को गड्ढों का सामना। 10 साल से नहीं डली सड़क। ब्लॉक मुख्यालय, सरकारी हॉस्पिटल और इंटर कॉलेज होने के बावजूद भी नहीं हुआ विकास का महत्वपूर्ण कार्य। पुलिस अधीक्षक ललितपुर के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार ने थाना जखोरा, चौकी बासी, चौकी देलवारा और पीआरवी 2598 का किया निरीक्षण। महिला संबंधी शिकायतों को तत्काल निस्तारण हेतु थानों में दिए निर्देश।
और बुंदेलखंड के जाने माने गायक व कथा वाचक चंद्रभूषण पाठक द्वारा की जा रही संगीतमय श्रीमद भगवत कथा ललितपुर के चाली राजा मेलवारा कला में हो रहा आयोजन। पांचवें दिन भगवान कृष्ण की लीला सुनकर मंत्र मुग्ध हुए श्रोता। ललितपुर के 13 फाटक मुख्य चौराहे पर चारों तरफ लगा है गंदगी का अंबार। देव माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को होती है परेशानी। चारों तरफ खुली पड़ी नालियां हैंडपंप के पास हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर भी प्रशासन की गैर जिम्मेदारी। और तालबेहट में देव प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निकली भव्य कलश यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के मंगल गान से गूंजा नगर। ध्रुव कुटी मंदिर में कुशवाहा समाज के द्वारा हो रही श्री राम दरबार, राधा कृष्ण और देवी माँ की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। बांदा जनपद के बबेरू तहसील के ओगासी यमुना नदी पर बन रहे पक्के पुल का लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने किया निरीक्षण। ठेकेदार को 30 जून 2021 तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा रहे मौजूद। और प्रयागराज के कौंडियारा में शातिर चोरों ने सराफा दुकान में लगाई सेंध। दुकान का लॉकर को तोड़कर उड़ाए आभूषण पर नकदी। पुलिस से की गई शिकायत। और आखिरी खबर मुरादाबाद से, जहां लखनऊ से पहुंचे नोडल अधिकारी ने भोजपुर थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर में खेत पर जाकर किया मुआयना। भोजपुर क्षेत्र के किसान ललित चौधरी ने अपने खेत में गन्ने के साथ साथ ही बाकला, फली और सरसों की भी बोई है फसल। शुगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नोडल अधिकारी शिव सहाय पहुंचे थे भोजपुर क्षेत्र के इस्लाम नगर गाँव। तो ये थी आज की खास बड़ी खबरें खबर फटाफट में। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।